गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग कायिक संकरण की बात कर रहे थे कि कायिक संकरण के द्वारा साइब्रिड और हाइब्रिड दोनों ही प्राप्त होते हैं। साइब्रिड हमारे काम के नहीं होते हैं, लेकिन हाइब्रिड हमारे काम के होते हैं, क्योंकि हाइब्रिड कैसे होते हैं, अधिक ओज युक्त होते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिड प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग जातियों को यूज में लिया जाता है, अलग अलग जातियों की कोशिकाओं को। तो उन कोशिकाओं को कैसे हम मिक्स करते हैं, कैसे उनकी कैरियोगेमी कराते हैं, फिर कैसे उनकी सिनगेमी कराते हैं, उसके बाद में उन कोशिकाओं को कैसे पहचाना जाता है, और एट लास्ट उसके अनुप्रयोग का क्या है, हाइब्रिड्स को कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इन सारी बातों पर हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पराग कोष का संवर्धन, एंथर कल्चर। पराग कोष के संवर्धन के द्वारा किस प्रकार से एक कंप्लीट पादप को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ जो एंथर होता है, जो पराग कोष होता है, इस एंथर के द्वारा, क्योंकि एंथर को जब हम कल्चर मीडिया पर ले जाते हैं, संवर्धन माध्यम पर ले जाते हैं, तो यहाँ एट लास्ट हमको प्लांट या फिर कहें नवोदय प्राप्त होता है। तो एंथर के द्वारा कल्चर मीडिया पर ले जाने से, कल्चर मीडिया पर इसका संवर्धन करने से किस प्रकार से पादप प्राप्त होता है, और यहां पर ये जो पादप होता है ये हैप्लॉइड होता है। तो यहां जब हम पराग कोष को उचित संवर्धन माध्यम पर ले जाते हैं, पराग कोष को जब उचित संवर्धन माध्यम पर ले जाते हैं, तो पराग कोष के द्वारा अगुणित पादपों के निर्माण की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, पराग कोष संवर्धन कहलाती है। वापस रिपीट करते हैं कि यहाँ पर जो पराग कोष को जब उचित संवर्धन माध्यम पर ले जाते हैं, तो उचित संवर्धन माध्यम पर ले जाने के द्वारा पराग कोष के द्वारा, एंथर के द्वारा अगुणित पादपों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पराग कोष संवर्धन कहलाती है। देखिए, अब यहाँ पर जो एंथर है वो होता है डिप्लॉयड, टू एंड, एक डिप्लॉयड एंथर से, पराग कोष से हम अगुणित पादप कैसे प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अगर एंथर डिप्लॉयड है, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मियोसिस नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा माइटोसिस की प्रोसेस होती है, तो यहाँ टू एंड से एन, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड प्लांटलेट या प्लांट हमको कैसे प्राप्त होता है। तो इसके ऊपर जो डिटेल स्टडी की थी, वो डिटेल स्टडी की थी गुहा और महेश्वरी ने, गुहा और महेश्वरी ने 1964 में यहां पर इसके ऊपर डिटेल स्टडी की गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि यहां इस स्टडी के लिए इन्होंने जो एंथर लिया था वो लिया था धतूरा इनोक्सिया का, धतूरा इनोक्सिया का इन्होंने एंथर लिया। इस एंथर को लेकर के ये कल्चर मीडिया पर ले गए, संवर्धन माध्यम पर ले गए, और यहाँ इन्होंने कुछ भ्रूण समान संरचनाएं देखी, उनको भ्रूण तो नहीं कहा, इन्होंने उसको क्या कहा, भ्रूणा। इन्होंने क्या देखा कि जब धतूरा इनोक्सिया के एंथर को हम कल्चर मीडिया पर संवर्धित करते हैं, तो संवर्धित करने पर हमको भ्रूण समान संरचनाएं दिखाई देती है, जो लगभग भ्रूण के समान होती हैं, लेकिन उनकी तरह मैच्योर नहीं होती हैं। तो जो भ्रूण समान संरचनाएं थी, जिन्हें हम एम्ब्रियोइड या भ्रूणाव कहते हैं, ये भ्रूणाव आगे डेवलप होकर के, आगे विकसित होकर के नवोदभिद का निर्माण करती है, नवोदभिद का निर्माण करती है, क्योंकि पहले प्लांटलेट बनेगा, इस प्लांटलेट के द्वारा फिर प्लांट का निर्माण होगा, और ये नवोद्भिद किसका निर्माण कर लेगा, एट लास्ट प्लांट का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर गुहा और महेश्वरी ने इस पूरी के पूरे जो एंथर कल्चर था, इस एंथर कल्चर को डिटेल में समझाया, और इन्होंने बताया अगर हम एंथर कल्चर कर रहे हैं, तो यहाँ जो हमको भ्रूण प्राप्त हो रहे हैं, भ्रूण जैसी संरचना भ्रूणा प्राप्त हो रही है, ये इनसे जो प्लांटलेट प्राप्त हो रहे हैं, तो ये कुछ बातों पर निर्भर करते हैं।
ऐसा नहीं है हमने किसी भी एंथर को लिया, उसको संवर्धन माध्यम में रखा और संवर्धन माध्यम में रखने के बाद में हमको जो प्राप्त होगा वो सीधा सीधा पादप प्राप्त होगा। इसका जो डेवलपमेंट है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है, संवर्धन सही प्रकार से होगा या नहीं होगा। जो पादप प्राप्त हो रहा है वो अपने जो उसका मदर प्लांट है उसके समान है या उससे अलग है या होमोजाइगस है हेटरोजाइगस है, जो भी बातें हैं वो सारी सारी किस पर डिपेंड करती हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। तो इन्होंने इसके लिए कुछ कारण बताए थे, कारणों को देखते हैं कौन कौन से कारण हैं जिनके ऊपर एंथर कल्चर डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले तो यहाँ जो संवर्धन माध्यम ले रहे हैं, जो हम संवर्धन माध्यम ले रहे हैं, इस पोषक पदार्थ का संगठन कैसा होगा, जिस प्रकार का संगठन होगा उसी प्रकार से डेवलपमेंट होगा। क्योंकि यहां पर पोषक पदार्थों की, किसी भी पोषक पदार्थ की किसी भी स्टेज में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी स्टेज में पोषक पदार्थ की कमी हो गई तो यहाँ जो निर्माण हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, या तो रुक जाएगा या फिर किसी और दिशा में चला जाएगा। तो सबसे पहले जो हम संवर्धन माध्यम ले रहे हैं, इस संवर्धन माध्यम के संगठन पर डिपेंडेंट करता है कि यहाँ बनने वाला जो एम्ब्रॉयड है, भ्रूणाग है, वो किस प्रकार का होगा। नेक्स्ट, जिस वक्त हमने एंथर का चयन किया है, इसकी परिपक्वता कैसी है, जिस वक्त हमने पराग कोष को चयन किया है ये मैच्योर है इमैच्योर है, किस प्रकार का है। क्योंकि अगर इमैच्योर एंथर है तो पहले तो वो खुद मैच्योर होगा, आगे की प्रोसेस तो पीछे की बात है। तो यहाँ जो हम एंथर यूज में लेते हैं ये एंथर कैसा होना चाहिए, परिपक्व, जो बेस्ट रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर एंथर की परिपक्वता किस प्रकार की है वो बात भी किसको प्रभावित करती है, एंथर से प्लांट निर्माण की प्रोसेस को प्रभावित करती है। तीसरा, जो हमने डोनर प्लांट लिया है, जो दाता पादप हमने लिया है, इस डोनर प्लांट की फिजियोलॉजी कैसी है, क्यों देख रहे हैं इस चीज को, फिजियोलॉजी को, डोनर प्लांट की फिजियोलॉजी क्या क्यों प्रभावित करेगी। क्योंकि यहाँ जो डोनर प्लांट है इसके जीन ही तो होंगे वो एंथर के अंदर, और जीनी संरचनाएं कभी परिवर्तित नहीं होती। अगर यहाँ इसकी फिजियोलॉजी अच्छी है तो एंथर की सेल्स की फिजियोलॉजी भी क्या होगी, कार्य की भी क्या होगी, अच्छी होगी। इसके अंदर अगर डिवीजन की कैपेसिटी अधिक है, रेस्पिरेशन की कैपेसिटी अधिक है, एनीवन जो भी हैं उसके अंदर जो भी गुण होंगे वो सारे किसमें होंगे, एंथर सेल के अंदर होंगे। तो इसलिए जो डोनर प्लांट सेलेक्ट करते हैं वो इस प्रकार का सेलेक्ट करते हैं जिसकी फिजियोलॉजी कैसी हो, बेस्ट हो, उसकी कार्य की कैसी हो, बेस्ट हो। जीनी संरचना, प्रभाव पड़ता है, अभी बताया था। अगर जीनी संरचना जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार के यहाँ पर एंथर सेल्स की भी जीनी संरचना होगी, और वो किसको प्रभावित करेगा, प्लांट निर्माण को या नवोद्भिद के निर्माण को प्रभावित करेगा। और एट लास्ट टेम्परेचर, तापमान अपने आप में अहम होता है। जब हम यहाँ किसी भी प्रकार का संवर्धन माध्यम पर किसी भी चीज का संवर्धन करा रहे हैं, अगर टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो भी संवर्धन सही प्रकार से नहीं होगा, अगर हमने टेम्परेचर अधिक कर दिया तो भी नहीं होगा। शुरू में जिस वक्त मैंने आपको बायोटेक स्टार्ट कराई थी उस वक्त बताया था कि संवर्धन माध्यम पर जब स्टरलाइज्ड करके हम पोषक पदार्थ को रखते हैं और उसके ऊपर एक्सप्लांट को रखते हैं तो वहाँ उस कक्ष की ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और लाइट सभी कैसी होती है, एक फिक्स
निश्चित होती हैं, उससे ऊपर नीचे उनको हम नहीं करते। तो ये सारी की सारी चीजें किसको करेंगी, एंथर कल्चर को प्रभावित करेंगी। अब परागकण का संवर्धन कैसे किया जाता है, जो यहाँ पर पराग कोष हैं, उन पराग कोषों से कैसे हम परागकण अलग करेंगे, कैसे उनका संवर्धन करेंगे, तो यहाँ पर किस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। पराग कण का संवर्धन, जो एंथर हमने लिया है पराग कोष, पराग कोष के अंदर क्या होते हैं पराग कण, एंथर के अंदर क्या होंगे पॉलन ग्रेन, यही तो चाहिए हमें। हमारे संवर्धन माध्यम में हमारे लिए एंथर इंपोर्टेंट नहीं है, क्या इंपोर्टेंट है पॉलन ग्रेन, हमको आगे की ग्रोथ के लिए पॉलन ग्रेन चाहिए जो किससे प्राप्त होंगे हमको एंथर से। तो यहां डोनेट करने वाली यूनिट कौन सी है एंथर, जो सेल डोनेट कर रही है, जो सेल हमको दे रही है, क्योंकि पॉलन ग्रेन भी क्या है अपने आप में कोशिका ही होती है, तो जो कोशिका जिसको हम पॉलन ग्रेन कह रहे हैं वो हमको कहां से प्राप्त हो रही है एंथर से। तो यहां इस एंथर से पॉलन ग्रेन को पहले पृथक करेंगे और फिर इन पॉलन ग्रेन का क्या करेंगे हम कल्चर मीडिया पर संवर्धन करेंगे। तो यहां जो ये पॉलन ग्रेन होते हैं इन पॉलन ग्रेन से हमको विषम युग्मकी प्रकार के पादप प्राप्त होंगे, इन पॉलन ग्रेन के द्वारा जो पादप हमको प्राप्त होंगे विषम युग्मकी विषमांगी प्रकार, पादप प्राप्त होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन, सभी पॉलन ग्रेन जितने भी हम लेके चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सबकी जीनी संरचना, सबके इंटरनल जो इंफॉर्मेशन है सभी की समान हो, क्योंकि जैसे टेम्परेचर किसी कोई पॉलन ग्रेन लीफ के नीचे है उसको कम टेम्परेचर मिला है, कोई ऊपर की तरफ है, तो यहाँ जरा से वातावरण के परिवर्तन पर इनकी इंटरनल जो जीनी संरचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ विषमांगी पादप प्राप्त होंगे, एक से अधिक पॉलन ग्रेन लेके चल रहे हैं तो विषमांगी पादप प्राप्त होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ जो पॉलन ग्रेन प्राप्त हुए हैं इन पॉलन ग्रेन को हमको वियुक्त करना है, वियुक्त मतलब आइसोलेट करना है, और आइसोलेट क्यों करना है, क्योंकि आइसोलेट करने के बाद में जो आइसोलेट पॉलन ग्रेन होते हैं, आइसोलेट पॉलन ग्रेन का जब संवर्धन किया जाता है ये आसान होता है। पहली बात तो आइसोलेट पॉलन ग्रेन का संवर्धन आसान होता है, दूसरा यहाँ प्योरिटी बनी रहती है, तो इसीलिए हम यहाँ आइसोलेट जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनसे कल्चर मीडिया पर उनको कल्चर मीडिया पर संवर्धित करा करके हम क्या कर प्राप्त करेंगे या पर प्लांट प्राप्त करेंगे। तो यहाँ आइसोलेट इस प्रकार से किया जाता है पॉलन ग्रेन को, इसके दो मेथड होते हैं, पहला अपकेंद्रण विधि, पॉलन ग्रेन का आइसोलेशन, फर्स्ट अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि के लिए लगभग लगभग हमने 50 एंथर को लिया और इन एंथर को लेकर के लगभग 20 ml कल्चर मीडिया, और यहां पर जो लेते हैं कल्चर मीडिया हम ठोस नहीं लेते, तो कैसा लेते हैं द्रव, तो यहां द्रव प्रकार का कल्चर मीडिया लेते हैं, पोषक माध्यम ले रहे हैं, तो इसमें हमने लगभग 50 एंथर को लेकर के डाल दिया। मान लीजिए इस प्रकार के उसमें यहाँ एंथर है और साथ ही साथ ये कल्चर मीडिया है। अब क्या करेंगे, एक कांच की छड़ लेंगे और इस कांच की छड़ के द्वारा
बार बार इनको इस प्रकार से प्रेस करें, जो स्पॉट के अंदर चाहे पेट्री डिश है, चाहे टेस्ट ट्यूब है, चाहे कोनिकल फ्लास्क है, जिसके भी अंदर हमने इसको कल्चर मीडिया को लिया है, उसी के अंदर हमने क्या कर दिया, एंथर लगभग 50 एंथर को डाल दिया। तो यहाँ इसको इसमें इस प्रकार से बार बार करने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ एक छलनी लेते हैं छानने के लिए, और जो छलनी के जो छिद्र होते हैं उनकी जो साइज है वो साइज होनी चाहिए 25 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर, बहुत छोटी साइज है। तो इससे जब छानेंगे तो हमको छनित्र प्राप्त होगा, ऊपर वेस्ट मटेरियल रह जाएगा, और जो छनित्र प्राप्त होगा, अब इस छनित्र को 500 से लेकर के 800 आरपीएम पर 5 मिनट के लिए, 500 से 800 आरपीएम पर 5 मिनट के लिए अपकेंद्रित कराते हैं। अब यहाँ पर अपकेंद्रण की प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने एंथर को तो तोड़ दिया, और जब एंथर तोड़ा उस वक्त यहाँ पोलन ग्रेन क्या हो गए, एंथर से फ्री हो गए, तो यहाँ किसके लिए करा रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे पोलन ग्रेन एक दूसरे से आइसोलेट हो गए। तो यहाँ जब हम इसे 500 से 800 आरपीएम पर 5 मिनट के लिए इसका अपकेंद्रण कराते हैं, तो प्रत्येक पोलन ग्रेन क्या हो जाता है, एक दूसरे से पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, पृथक पृथक, एक दूसरे से यहाँ पर पोलन ग्रेन अब अलग हो जाएंगे, वियुक्त हो जाएंगे। इनको यहाँ से अलग करेंगे और ले जाकर के कहाँ रख देंगे, संवर्धन माध्यम पर, कल्चर मीडिया पर ले जाकर रख देंगे। एक तो तरीका होता है, दूसरा होता है प्लावन विधि, फ्लोटिंग मेथड। प्लावन विधि में क्या करते हैं, पैट्री डिश लेते हैं, एक पैट्री डिश ली, इस पैट्री डिश में लिक्विड संवर्धन द्रव संवर्धन माध्यम लिया, और इसमें हमने एंथरों को छोड़ दिया। ये एंथर क्या करते हैं, जैसे ही इसमें हमने एंथर डाले, एंथर ऊपर सतह पर आ जाते, सतह पर तैरते। दो चार दिन के बाद में एंथर की जो सेल वॉल होती है वो सब टूट जाती है, तो यहां जो एंथर है, एंथर की सेल वॉल टूटेगी, सेल वॉल टूटने के बाद में यहां से पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, फ्री, और जो पोलन ग्रेन यहां से फ्री हो जाएंगे तो यही तो चाहिए थे हमको। यहां किसी भी प्रकार का ना हम साप केंद्रण करा रहे हैं, ना इसको किसी से हम रफ्स कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा हमने एंथर को लिया, पैट्री डिश के समय संवर्धन माध्यम लेकर उसमें छोड़ दिया, लिक्विड संवर्धन माध्यम में। नॉर्मल सी बात है, लिक्विड है तो बॉल को गराएगा, और जैसे गलेगी बॉल, तो बॉल के गरने के बाद में यहाँ पोलन ग्रेन एंथर से फ्री हो जाएंगे। इन पोलन ग्रेन को कल्चर मीडिया पर ले जाकर के वापस से हम क्या कर लेंगे, संवर्धित कर लेंगे। अब हमको एट लास्ट क्या प्राप्त हो गए, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का आइसोलेशन हो गया। अब ये पोलन ग्रेन जो हमको प्राप्त हुए हैं, शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि हमने द्वैगुणित, एंथर हमारा कैसा है, द्वैगुणित, और इससे हमने जो प्लांट प्राप्त किया था वो कैसा था, एगुणित। स्टूडेंट समझ में, इस द्वैगुणित से हमने पोलन ग्रेन प्राप्त किए तो वो कैसे हैं, एगुणित, और इस एगुणित से पादप जो बन रहा है वो कैसा है, एगुणित, हैप्लोइड। डिप्लोइड से इस प्रकार से हैप्लोइड पादप प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मियोसिस नहीं हो रही, एंथर डिप्लोइड है, लेकिन एंथर के अंदर जो प्रेजेंट पोलन ग्रेन है वो कैसे हैं, हैप्लोइड, और हैप्लोइड है तो हैप्लोइड प्लांट प्राप्त होगा। अगर हमको डिप्लॉयड पादप चाहिए, अगर हमको डिप्लॉयड प्लांट चाहिए तो अब क्या करें, क्योंकि यहां तो केवल और केवल हैप्लॉयड प्राप्त होते हैं पादप, और डिप्लॉयड पादप भी कैसा चाहिए हमको, होमोजाइगस और साथ में फर्टाइल, होमोजाइगस भी होना चाहिए और फर्टाइल भी होना चाहिए, जिसके अंदर जनन की कैपेसिटी हो।
तो अब इसके लिए क्या करें? तो स्टूडेंट्स, यहां जो एंड्रॉयड होता है, ये कैसा होता है एंड्रॉयड? हैप्लॉयड होता है। एंड्रॉयड में होते हैं डिवीजन, क्योंकि जब तक यहां पर डिवीजन नहीं होंगे तब तक यहां पर किसका निर्माण नहीं होगा? प्लांटलेट का। जिस वक्त यहां एम्ब्रॉयड में डिवीजन होकर के प्लांटलेट बनाने की प्रोसेस हो रही होती है, उस वक्त क्या करते हैं यहां पर? क्योंकि अगर हमको होमोजाइगस और फर्टाइल चाहिए तो पादप कैसा होना चाहिए? डिप्लॉयड। नेचर के अंदर 99.99% जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विगुणित। क्योंकि अधिकतर द्विगुणित पादप ही कैसे होते हैं? फर्टाइल। हैप्लॉयड प्लांट फर्टाइल नहीं होते, बहुत कम रेयर केसेस में ऐसे प्लांट होते हैं जो हैप्लॉयड होकर भी कैसे होते हैं? फर्टाइल होते हैं। तो हमको अब यहाँ होमोजाइगस फर्टाइल प्लांट चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो कोल्चिसीन, आप लोगों ने नाम सुना होगा कोल्चिसीन का, यहाँ कोल्चिसीन का प्रयोग करते हैं। कोल्चिसीन का प्रयोग करते कब? इस एम्ब्रॉयड के साथ। जिस वक्त एम्ब्रॉयड का निर्माण हो गया, भ्रूणाभ का निर्माण हो गया, माध्यम के अंदर हम क्या करेंगे? कोल्चिसीन डाल देंगे। देखो कोल्चिसीन क्या करता है, जिस वक्त माइटोसिस होती है, जिस वक्त माइटोसिस होती है, तो आप लोगों को पता है कि माइटोसिस के वक्त यहां पर तर्कु तंतु बनते हैं, और तर्कु तंतु किसका काम करते हैं? जो यहाँ गुणसूत्र बनते हैं, इन गुणसूत्रों को अपनी अपनी तरफ, अपने अपने पोल की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं, अपने अपने पोल की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये कोल्चिसीन क्या करेगा, एक सेट था जो गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्र का एक सेट था, माइटोसिस हुई तो माइटोसिस से पहले इनका भी तो डुप्लीकेशन होगा, तो एक से क्या बन जाएंगे? दो सेट माइटोसिस के समय। अगर ये दोनों सेट अपने अपने ध्रुव की तरफ चले गए तो कोशिका वापस से हैप्लॉयड हो जाएगी। तो कोल्चिसीन क्या करेगा, इन तर्कु तंतुओं को रोक देता है, या तो बनने से रोक देता है या खींचने से रोक देता है, ऑलमोस्ट तर्कु तंतुओं के कार्य को प्रभावित करता है। जब तर्कु तंतु यहाँ ध्रुवों की तरफ नहीं ले जा रहे तो यहाँ जो हैप्लॉयड सेल थी वो क्या हो जाएगी? डिप्लॉयड। तो यहां कोल्चिसीन के द्वारा हैप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल को प्राप्त किया जाता है। तो हमने जो एंथर से जो प्लांट प्राप्त कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहां पर हैप्लॉयड पादप भी प्राप्त करें, एगुणित पादप भी प्राप्त करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम यहां द्विगुणित पादप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पादप एन भी हो सकता है और 2N भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमको कैसी आवश्यकता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पादप प्राप्त करते हैं। अब इनकी उपयोगिता अगर देखें, उपयोगिता क्या है एंथर कल्चर की, जो प्रकृति में हैप्लॉयड पादप पाए जाते हैं अगर किसी कारण बस, रेड डाटा बुक का नाम सुना है, रेड डाटा बुक में वो पादप होते हैं या वो एनिमल्स होते हैं जो विलुप्ति की कगार पर होते हैं, तो यहाँ पर प्रकृति में ऐसे पादप हैं जो हैप्लॉयड हैं और वो कैसे हैं? दुर्लभ पादप होते हैं। ये कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। अगर हमको इनमें अधिक जनन कराना है, अधिक लाना है, या इनको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, एनिमल जो भी करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एंथर कल्चर के द्वारा इनको क्या कर लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे। दूसरा, यहां जो कैलस होता है, कैलस कैसा होता है? हैप्लॉयड। क्योंकि एंथर से पोलन ग्रेन बना, सॉरी पृथक किए, पोलन ग्रेन से प्लांट बनने से पहले पहले कैलस बनेगा, तो कैलस कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। अगर इस कैलस में हम म्यूटेशन कराएं या कोई बायोकेमिकल पदार्थ का प्रभाव देखें कि उस बायोकेमिकल पदार्थ से कैलस पर या एम्ब्रॉयड पर, कैलस पर तो क्या, एम्ब्रॉयड पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। म्यूटेशन करा के नई गुणों वाले पादप भी प्राप्त कर सकते हैं, इन बायोकेमिकल पदार्थ को यूज करके नए गुणों वाले पादप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इनकी ये उपयोगिता हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स।